हेलो, ये देखो मैंगो क्राफ्टिंग जो मैं क्राफ्ट की थी, ये देखो ये करी हूँ 5 दिन पहले। ये है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, समथिंग 10 दिन पहले का है ये बड़े पेड़ में। ये पेड़ है 2 साल पुराना, इस पर ग्राफ्ट की क्लिप ग्राफ्टिंग, इसको क्लिप ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ये यहाँ ग्राफ्ट हुआ है और ये इसको पॉलीथीन से कवर की हुई, ये भी क्लिप ग्राफ्टिंग है और ये सब स्टोन ग्राफ्टिंग है। ये देखो ये मैंगो गुठलियों के साथ का स्टोन ग्राफ्टिंग है। ये आई थिंक ये वाला अनसक्सेस हो गया लग रहा है। पॉलीथीन तो हटाई नहीं, लेकिन नीचे ग्रीन है ऊपर ब्राउन है, लेकिन अभी टाइमिंग नहीं हुआ। 10 से 15 दिन में इनका पॉलीथीन हटाना है। पॉलीथीन इसलिए बांध के रखी हूँ ताकि इस पर बारिश का पानी ना जाए। देखो इसको ऐसे शेड के नीचे रखी हूँ ताकि इसमें बारिश का पानी नहीं पड़े। बारिश के पानी से सक्सेस नहीं होता। और जब इस पॉलीथीन को लगाना है तो देखो हल्की सी ऐसे कटिंग रखना है, हल्की सी कटिंग करना है देखो सब में की, ताकि इसमें एयर पास नहीं, तो उमस की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं। ये देखो पहले स्टोन निकालना है, क्राफ्ट करना है, मैं एक वो भी वीडियो बनाऊंगी। और ये रिज़ल्ट देखो, ये 2 में रिज़ल्ट आया है। ये देखो ये यहाँ ग्राफ्टिंग, इसको ऊपर का निकाल दी हूँ मैं, इसमें पत्तियाँ आ चुकी हैं। एक बात और देखो, जब स्टोन क्राफ्टिंग करने के बाद नीचे से ये देखो ये ब्रांच निकल रही है, ये छोटी सी दिख रही है, इसको कट करना है, नहीं तो ये ऊपर वाली ब्रांच को बढ़ने नहीं देगा। और जैसे जैसे इसमें ये कट लगाते जाओगे ये जल्दी, ये देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये जैसे जैसे इसमें कट लगाओगे इसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ते जाएगी। ये देखो ये इसी टाइप से ये सब भी है। और 10 दिन बाद इनका मैं सिर्फ ऊपर वाली ये वाली पॉलीथीन हटाऊंगी। और यदि ऊपर का ये वाली जो ग्राफ्ट एरिया है यदि ग्रीन है तो समझ जाओ ये 100% होगा। बस नीचे से कुछ ब्रांच निकलने नहीं देना है, जैसे कोई ब्रांच नीचे से निकलती है ग्राफ्टिंग के नीचे से उसको कट करते रहना है। ये जॉइंट वाले हिस्से जहाँ से ग्राफ्ट किए हैं उसको हिलाना नहीं है। और जब तक ऊपर यहाँ से पत्तियाँ नहीं निकल जाती हैं तब तक पूरी नीचे की पत्तियों को कट करना है। इसमें पत्तियाँ निकल जाने के बाद भी नीचे की पत्तियाँ निकलने ही नहीं देना है। नीचे निकलेंगे तो ऊपर वाला ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। और अभी ये जैसे ये वाला ग्राफ्टिंग है मेरा, ये हो गया 25 दिन का। अब इसको कभी हल्की सी धूप में रखती हूँ, पूरे दिन भर की धूप में नहीं रखती, 1 घंटे 2 घंटे की धूप में रखती, फिर अंदर ले आती हूँ, फिर ऐसे फिर धीरे धीरे इसको थोड़े ज़्यादा देर की धूप में बढ़ाते बढ़ाते फुल सनलाइट में रख दूँगी। और जब अच्छे से इसकी कलम मैच्योर हो जाएंगे जहाँ से जॉइंट किए हैं उसके बाद इसको फुल धूप में रखेंगे। और नेक्स्ट जुलाई अगस्त में इसको आप ज़मीन में लगा सकते हैं। वैसे तो इसी साल इसमें फूल आ जाएंगे इस साल, लेकिन उस फूल में फल नहीं लगने देना, उसको पहले ही तोड़ देना है। यदि तोड़ेंगे तब ये पौधा हेल्दी होगा और उसके बाद नेक्स्ट साल जब ये फलेगा तो इसमें ज़्यादा फल आएंगे और अच्छा मैच्योर पौधा रहेगा। नहीं तो अभी नाजुक रहता है, हवा में टूटने का डर रहता है, फल आ जाएंगे तो पूरा पोषण फल को दे देता है वो। इस तरीके से देखो मेरा मैंगो ग्राफ्टिंग एकदम ईजी ग्राफ्टिंग है, ये सब स्टोन ग्राफ्टिंग है। ये जो आम की गुठली से छोटा सा पौधा जग जाता है ना, बस लाल पत्ती नहीं होनी चाहिए, हरी, इस टाइप की हरी पत्ती से थोड़ी बड़ी पत्ती हरी हो जानी चाहिए और उस पर आप क्लिप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये सब में नीचे बस इसमें डंठल के बाद इसमें और पत्तियां जहाँ से निकलती हैं वो निकलने नहीं दे रहे हैं। धीरे से इनकी पत्तियों को कुछ दिन बाद पॉलीथीन को खोल देंगे, उससे वो सक्सेस हो जाएगा। ये देखो ये मेरा एडिनियम सीड से ग्रो किया हुआ है।